हेलो, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो आज के इस वाले वीडियो का मेन पर्पस है हेडलाइन के बारे में, कि हेडलाइन का जो मेन सेटिंग कौन कौन सी आते हैं वो हेडलाइन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्लेक्सिफिनल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे हम अपना एक ऑलरेडी एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक सेक्शन हमें यहाँ पे नीचे ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे एक रो को ऐड करना है। रो को ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें हेडलाइन को ऐड करना है। ग्रो योर रियल एस्टेट बिजनेस। तो हमारे पास ये वाली हेडलाइन है, तो हेडलाइन के ऊपर हमें बहुत सारा टेक्स्ट काम करना है। तो अगर हम यहाँ पे हमें डायरेक्ट करेंगे सिलेक्ट, तो हमें यहाँ पे ऐसे ऑप्शन भी आ रहे हैं। तो हमारा इसका फैमिली फॉन्ट को चेंज करना है, तो यहाँ पे ऐसा कलर में हमने चेंज कर दिया। और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ओपन, यहाँ पे उसको बोल्ड करना है, सेमी बोल्ड करना है। अभी यहाँ पे क्लिक नहीं है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा बोल्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो गया। उसकी साइज़, फॉन्ट की साइज़, और उसको लेफ्ट साइड अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट साइड अलाइन, या फिर सेंटर, तो हमें सेंटर अलाइन करना है। उसके बाद कैपिटल में चाहिए, फर्स्ट सारे कुछ कैपिटल में चाहिए, या फिर सारे कुछ कैपिटल में, फर्स्ट फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटल में चाहिए, या फिर उसको ऊपर से लाइन, बीच में से लाइन, या फिर अंडर लाइन, या फिर ऊपर नीचे दोनों लाइन, या फिर क्रॉस। तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अभी इस वाले फ़ॉन्ट को हमें इटैलिक करना है, तो इटैलिक कर सकते हैं, या फिर ठीक है तो वो ठीक है। यहाँ से हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर हो गया सेपरेटली, हमें यहाँ पे दूसरा कलर यहाँ पे डालना है। तो हम नीचे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, हमें रेड के ऊपर बहुत ही ठीक लग रहा है, क्लिक कर दिया। चलो कलर भी हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, लेटर स्पेसिंग। दोनों अक्षर के जो लेटर हमने क्रिएट की है वहाँ पे कौन कौन से स्पेसिंग चाहिए वो। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, ऊपर से नीचे के लाइंस का स्पेसिंग। उसके बाद हमारा इसको शेडो करना है, या फिर शेडो हो गया, टेक्स्ट शेडो हो गया। तो ये सारे कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्रिएट हो गया टेक्स्ट का सेटिंग। उसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के पीछे का मेन मतलब है ये है कि तो जो आपका जो टेक्स्ट के उसके पीछे वाला बैकग्राउंड, तो अगर उसके पीछे मुझे ये वाला कलर चाहिए तो ये वाला कलर हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे ग्रेडियंट भी चाहिए तो हम ग्रेडियंट भी यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट, ये वाला ग्रेडियंट चाहिए तो ये वाला ग्रेडियंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों के बीच में ये वाला कलर हमारा ग्रेडियंट कलर बनेगा। तो ग्रेडियंट, अगर आपको फ़ोटोज़ भी डालना है तो फ़ोटोज़ भी यहाँ पे से डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेटिंग बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद स्पेसिंग का जो ऑप्शन है, तो स्पेसिंग का मेन पर्पज़ ये है मार्जिन का। मार्जिन तो हमारा जो ये फ़ोन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये छोटा हो रहा है, तो ये हमारा मार्जिन है। मार्जिन को अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे से चेंज हो जाएगा। अगर मुझे उसको मोबाइल यूटिलाइज करना है तो मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसका फ़ोन का साइज़ हम छोटा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मोबाइल ऑप्टिमाइज हो गया। तो अगर जो यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे तो वो हमारा मोबाइल पे डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देगा, और हमारा जो डेस्कटॉप का है वो मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा। तो हमारा ऑलरेडी दो तो हो गए हैं ऑलरेडी, तो उसको सेव कर लेते हैं और इसे पब्लिश करके देख भी लेते हैं कि किस तरीके से वो दिख रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे से पब्लिश कर दिया, यहाँ पे से एक्सेस कर दिया, देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ग्रो योर रियल एस्टेट बिजनेस वाला ऑप्शन भी आ गया, हमारा फॉर्म भी क्रिएट हो गया है। तो हमारा हेडलाइन और सेकंड दो ऑप्शन क्लियर हो गए हैं हमारे पास। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।